एक पासे सूबा सरकार पंजाब दे लोकां नूं सहूलतां देण दी गल करदी है तां दूजे पासे लोकां नूं लगातार परेशानियां दा सामना करना पै रिहा है भावें ओह कोई भी मसला होवे। इसे तरह पिछले कई दिनों तो डीपुआ तो मिलने वाली कणक नूं लैके लाभपात्रियों नूं आ रही मुश्किलों दी खबरां भी आम सुनने नूं मिल रही ने। अजे तस्वीर श्री मुक्तसर साहिब दे मलोट तो भी सामने आई है। स्क्रीन ते दिख रही है इन्हां तस्वीरां च बैठे लोग किसी मंदिर जां गुरुद्वारे विच नहीं बैठे सगो डीपू तो मिलने वाली कणक की उड़ीक कर रहे ने। डीपू तो मिलने वाली सरकारी कणक की उड़ीक च लाभपात्री सवेरे 3 बजे तो बैठे ने ताकि जल्द इन्हां दी वारी आ सके। मेरा नाम गुरजान सिंह है जी, अपना गुरु नानक नगर महला है जी। असीं सवेरे दे 3 बजे तो लगे हुए हैं जी इसे लाइन के, पर सानू दफ्तर वाले ने कल 9 बजे का टाइम दिता सीगा, पर असीं पहला आ गए तां करके साडी वारी उह टाइम नाल भुगत जा रही। सवेर तो 250 के करीब बंदे है जी। पर की लगता है कि 9 बजे शुरू करने नाल जिहड़ा कि होर भी लोग पहुंच जाएंगे डिप होल्डरां नूं मुश्किल आऊगी? नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही हुण लोगों जिवें जिवें पता लग रहा है जी उवें उवें आ रहे हैं जी। स्टार्टिंग तो जी सिर्फ बंदे सारे 15 सीगे जी, उदू बाद हौली हौली 5 बजे तो बाद जमा बंदे स्टार्ट ही हो गए। बाकी तुसीं देख लो जी पिछे किन्ने रश होया पिया हैगा, अजे जदों 9 बजणगे उस टाइम तो होर बंदे वध जाणगे। की होना की चाहिए है तां जो किसी नूं मुश्किल ना हो? मैं तो यह सोचता जिमें डिपू होल्डर जो होर वधा दिते जाण जी, ठीक है जी, महला वाइज ही किया जाए। ये नहीं भी दूसरे महल वाले लोग दूसरे महल के आके तुसीं राशन लै रहे हैगे हो, महला वाइज ही सारा जिमें जो सिस्टम पहला चलता सी उवें चलाया जाए। तो डिपू होल्डर का कहना है कि उन्होंने इन्हां लाभपात्रियों के लिए चाह पानी का प्रबंध किया हुआ है तां जो उन्होंने कोई दिक्कत ना आवे। हाँ जी, मैं अनिल कुमार डिपू होल्डर मलोट। दफ्तर वालों हिदायत सी कि सुबह 9 बजे पर्चियां कट्टियां जाणगियां, पर लेकिन अज मैनूं सवेरे सवेरे पता लग्गिया कि लोग ना इत्थे इकट्ठे हो रहे ने। तुसीं देख रहे हो कि तकरीबन 250 दे करीब लोग इत्थे हुण तक पहुँच चुके ने, लेकिन साडे महल्ले दे जो साडे आगू ने साहिबान ने सूझवान लोग ने उहनां दी लोक अगवाई हेठ असीं संगत लई बैठण दा प्रबंध कीता, चाह पाणी दा प्रबंध कीता। उम्मीद है कि जो तक कणक शुरू नहीं होएगी असीं आई हुई संगत की सेवा करते रहेंगे। सानूं तां इंज लग रहा कि जिवें साडे घर अज प्रभात फेरी है। ये जी जी पॉलिसी चेंज हुई सी 2021 दे विच, ठीक है जी, जिहड़े अपने चरणजीत चन्नी जी उन्होंने पॉलिसी चेंज की सी, ऑनलाइन पॉलिसी लैके आती सी, उस नाल लोगों को नुकसान जिहड़ा नुकसान ज़्यादा होया, लेकिन फायदा 2-4-5% लोगों को होया, जिहड़ा उसका नुकसान है वो तकरीबन 50% लोगों को भुगतना पै रहा है। उम्मीद है कि जो आप 9 बजे मशीन शुरू करते हैं तो जो लोग इस तरह बड़े शांति बैठे हुए हैं उदों भी शांति बनाई रखेंगे, तो असं तकरीबन 2-2.5 घंटे के बच्चे लोग कणक लै जाए। आम देखने डिपू होल्डर 25-26 पर्चियां कट के कहते हैं मशीन खराब हो गई। नहीं ऐसा खत्म हो गया फिर चरण जाके धक्के खाने पैंते हैं। गल ऐसे की बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, इस तरह भी तुसीं कह रहे हो तो गल ऐसी हो सकती है, लेकिन अज इत्थे ऐसा कुछ नहीं होएगा। 9 बजे मशीन शुरू होएगी, जदों तक उस कणक खत्म नहीं होएगी निरंतर लगातार ऐसे बैठ के ही लोगों के बीच ही पर्चियां कट्टी जाएंगी। तो सरकार वालों दित्तियां जाने वाली सहूलतों का सुख मानण दे लई हर एक नागरिक लोचदा है, पर इस दे चलदियां उन्हां नूं काफी दिक्कतां दा भी सामना करना पैंदा है। तो सरकार जां प्रशासन नूं भी चाहीदा है कि इन्हां लोकां नूं अजिहियां सहूलतां दित्तियां जाण तां कि देश दे नागरिक सरकार दीआं सहूलतां तों वांछे ना रह जाण। श्री मुक्तसर साहिब तों मनप्रीत सिंह दी रिपोर्ट।